नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की बिरसिंहपुर पाली से है, जहां पाली कॉलोनी क्लब में महिला बाल विकास परियोजना नगर पालिका परिषद पाली के सौजन्य में नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री शकुंतला, प्रधान उपाध्यक्ष राजेश पटेल, परियोजना अधिकारी मोनिका सिन्हा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह व पार्षदों की उपस्थिति में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम माता बिरासिनी देवी की पूजा अर्चना पश्चात कन्या पूजन कर धूमधाम से मनाया है। बता दें कि लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम के इस मौके पर पाली के कॉलरी क्लब में प्रातः 12 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी उत्सव संबोधन को मुख्यमंत्री निवास से लाइव प्रसारण को सुना गया है। कार्यक्रम में उपस्थित लाडली लक्ष्मी व बहनों का फूलों की वर्षा से नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों ने स्वागत किया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, लाडली बालिकाएं एवं उनके अभिभावक, लाडली बहन, लाडली बालिकाएं उपस्थित रही है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाडली लक्ष्मी दिवस को उत्सव के रूप में मनाया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित लाडली लक्ष्मी व बहनों का फूलों की वर्षा से नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों ने स्वागत किया है। संभागीय हेड प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। लक्ष्मी उत्सव जो हम मना रहे हैं नगर पालिका पाली में, ये 2 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दो मई का तारीख है ये, लाडली लक्ष्मी उनकी जो बालिकाएं हैं उनके लिए घोषित कर दिया है कि ये प्रतिवर्ष 2 मई को हम लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएंगे और इस उत्सव को भव्य आयोजन की तरह से मनाएंगे, ताकि जो समाज में लड़कियों को लेकर अभी भी भ्रांति है कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़के होने चाहिए, इस भ्रांति को दूर करते हुए लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी उत्सव को सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र में नहीं, ये कार्यक्रम आज 12 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित करेंगे और भोपाल में कार्यक्रम होगा जिसका लाइव टेलीकास्ट सारे लोग देखेंगे और सभी ग्राम पंचायतों में, नगरपालिका में माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। और ये लाडली बालिकाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि उनके इस योजना के कारण आज सभी लाडली बालिका पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनी हुई हैं और समाज में जो बेटियों को लेकर एक सोच है कि बेटियां हुई है तो बोझ है, उस सोच से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए ये लाडली लक्ष्मी योजना बहुत बड़ा योगदान निभा रही है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजनाएं चलाई हैं उस पे जिला स्तरीय या ग्रामीण पंचायत शहर वार्डों में हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना चला रहे हैं 2007 से, हम पूरे ज़िले और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे बहुत अन्य कार्यक्रम उनकी तरफ से चालू है जो हमारी बहन बेटियाँ सभी को लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें भी हमारी बहनें और लाडली बहनों को भी बहुत सारे योजनाओं की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके लिए भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी हमारे नगर पालिका के पार्षदगण और सभी कर्मचारीगण और अपने यहाँ पे जो हमारे माननीय सेमो साहब हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सभी मिल करके इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे सफल बनाने की सभी ने सहयोग मदद कोशिश की है। और आंगनवाड़ी की जितनी बहनें हैं मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी सारी योजनाएं हैं उनको लेकर के हमारी आंगनवाड़ी की बहनें भी बहुत ध्यान से और कहना चाहिए सभी को लाभ मिले इस तरीके से उन लोगों की भी बहुत कोशिश। और आज शासन के निर्देशानुसार 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाना था, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन मुख्यमंत्री निवास से प्रसारण किया जाना, जिसके तारतम्य में हमने नगर पालिका परिषद पाली से समस्त लाडली लक्ष्मी को यहां आमंत्रित किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय और सब पार्षद उपस्थित। कार्यक्रम को प्रसारण किस माध्यम से? लाइव टेलीकास्ट LED।